हाय एवरीवन, आज काफी दिन बाद ब्रेजा में कोई काम करवा रहा हूँ, काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, जिसका मेरा करवाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे लगा था कि इसके बगैर काम चल जाएगा, चला लेंगे, क्यों गाड़ी खुलवाने, लेकिन अब लग रहा है कि वो करवाना ही पड़ेगा। दिक्कत क्या आ रही थी कि जैसे ही 100 की स्पीड से ऊपर गाड़ी जाती है ना, तो परेशान कर देती है, हवा परेशान कर देती है। इंजन से कोई नॉइज नहीं है, रोड नॉइज नहीं है, बस विंड नॉइज काफी ज्यादा आती है। अल्टीमेटली ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई विंडो तो खुली नहीं रहेगी, तो वो काफी परेशान करती है। मतलब ठीक है, म्यूजिक चला लेते हैं, लेकिन जब कई बार घर वालों के साथ होते हैं तो लाउड म्यूजिक नहीं चला सकता मैं, तो फिर वो परेशान कर देती है। देन अल्टीमेटली आई थॉट कि चलो डैम्पिंग करवाते हैं। सोच रहा था काफी दिन से कि करवाए ना करवाए, अब चलो फाइनली करवा लेते हैं। तो करोल बाग जा रहा हूँ, अभी एक पार्ट मैं डाल रहा हूँ कुछ 8-10 सेकंड 20 सेकंड का, उसमें मैं दिखा रहा हूँ गोप्रो लगा के कि विदाउट डैम्पिंग अभी कैसी आवाज आ रही है। आप लोग मॉनिटर कर लेना, और जब डैम्पिंग हो जाएगी, आज ही हो जाएगी, तो उसके बाद मैं एक अनदर क्लिप डाल दूंगा आफ्टर डैम्पिंग, बिफोर एंड आफ्टर डैम्पिंग, आप डिफरेंस नोटिस करना। आप करना, मैं अपना वर्डिक्ट भी दूंगा कि सच में फर्क आया कि नहीं आया। तो वो दो चीजें आप इस वीडियो में नोटिस करना। और अभी मैं क्लिप डाल देता हूँ, खर्चा वर्चा सब बता दूंगा डैम्पिंग का इस वीडियो के एंड में, तो कम्प्लीट देखना। तो चलो अब चलते पहुँचते हैं जहाँ करवाते हैं, वहाँ जहाँ करवाना है वहाँ पहुँच के फिर बात करते हैं। मार्केट में घुसने के बाद राइट में देखना, ये स्विफ्ट कटी हुई आधी बिल्डिंग में लगी हुई है। इसके जस्ट ऑपोजिट एक पतली सी गली है, उसके अंदर थोड़ा आप चलोगे 5 से 7 दुकान छोड़ के है पीपुल सीट कवर, तो ये इनकी दुकान है। ये पन्नी तो हट जाएगी है ना, देखो यहाँ की तो पन्नी उतार दी है। अब मैं आपको बताता हूँ मारू के दरवाजों के अंदर क्या होता है। देखो बिल्कुल पतरा है, ये इसकी सपोर्ट है, ये कुशनिंग चिपकाने के लिए, और ये बिल्कुल हल्का, बिल्कुल बिल्कुल शीट है, मतलब बिल्कुल 1 mm होगी इसकी मुश्किल से। और ये होलो पाइप है, बस इसकी सेफ्टी के लिए ना, यही है दरवाजे के अंदर, और कुछ भी नहीं है, पतरा है बिल्कुल। और इसकी वजह से इन गाड़ियों में ज़्यादा आवाज़ आती है, ये देख लो बिल्कुल हल्का है, और कुछ भी नहीं है, कोई बीम नहीं है, कोई इसकी सपोर्ट के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। आप उतर के चारों और इसमें दोनों साइड डैम्पिंग, अब ये पन्नी उतरनी, वो आके उतारेंगे। दोनों साइड डैम्पिंग होगी, एक इस तरफ और एक इसके ऊपर होती है, जैसे भी होगी देख लेंगे। इसके अंदर तो पक्का होगी, ताकि बाहर की एक मतलब दो वॉल बन जाए इंसुलेशन के, एक इधर और एक इधर इसके ऊपर। बढ़िया। इसकी एक की थिकनेस कितनी है, कितने एम एम, और इसमें एक में वेट कितना, वो भी बता। पूरा वेट गिन रहा है ना, डंप का वेट नहीं गिना है। होगा 1 किलो होगा बस, ये मुश्किल से है ना, 1.5 किलो 2 किलो हो गया, 1 किलो से तो नीचे ही है। वो कह रहे थे 2-3 mm में, इतनी तो नहीं है, ये तो 1 mm है तो पतली वैसे। हैवी वाली डंपिंग है अभी। चलो देखते हैं, मेगा सोनिक की है, कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं है ना इनमें। ठीक है, कह रहे स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। 10 सीट आती है ना इसमें। हाँ जी, 10। 1 mm है इसकी थिकनेस, पर चीज बढ़िया बता रहे हैं। चलो देखते हैं। तो आवाज में काफी फर्क पड़ जाएगा अगर वो करके देखते हैं। ना सच में फर्क पड़ेगा, ये देखो जैसे पूरी बज जाएगी ना भैया। पता लगेगा आपको फर्क है ना, आवाज में फर्क पड़ेगा। इसमें मेन दिक्कत तो ये, एक तो बंद कर देना, बड़े हल्के दरवाजे हैं और फिर वो आवाज वगैरह वो करते हैं। क्या चीज बता रही थी ये, स्पीकर? अरे वो स्पीकर तो पता है, बड़ा हल्का है, हल्का है, पीछे भी ऐसे ही है। अरे बड़े खिलौना जैसा बिल्कुल ही। लेकिन इनका आउटपुट बहुत बढ़िया है।
सेट की मशीन क्या? मैचिंग करके कुछ कह रहे हैं। सेट से मैचिंग होता है ये। निपोन के बताते हैं वैसे, पर ब्रांडिंग तो कुछ नहीं है। लेकिन चीज बहुत बढ़िया। रोलर से उतरेगी नहीं, बस यही है ना। फिर चिपक जाएगी, फर्क पड़ेगा। चलो वजन का तो बाद में देखेंगे, बंद करते टाइम। दरवाजे में पैडिंग देखो सिर्फ इतनी होती है, बिल्कुल फॉर्म है, रूई है, रूई जैसा है, कुछ नहीं है। तो इससे कोई इंसुलेशन वगैरह कुछ नहीं हो पाती, बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल सॉफ्ट है। कुछ तो डिक्की छत सब करवा लेते हैं, बोनेट करवा लेते हैं। बोनेट उनमें जरूरी है जो डीजल इंजन है, काफी आवाज करते हैं ये, तो पेट्रोल आवाज वैसे नहीं करता इसका। चलो एक दरवाजा तो हो गया, मैं फर्क दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक ये दूसरा है ना फर्क। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ हो रहा है गाड़ी का काम, विपुल कार सीट कवर। इनके एक्सपर्टी सीट कवर में, लेकिन गाड़ी के ना जितने बाकी सारे काम यहीं पे हो रहे हैं। तो ये राम भैया के ओनर। राम भैया कैसे हो? बढ़िया भैया, बढ़िया। तो मैं सेट कर देता हूँ। हाँ, तो आपकी एक्सपर्टीज मतलब मेन सीट कवर में जी? सीट कवर 7D फ्लोरिंग इन सब में भी है, लेकिन कस्टमर्स आते हैं तो बोलते हैं कि एक्सेसरी काम कहाँ होगा। तो अब एक्सेसरी काम आपको विपुल कार सीट कवर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं डैम्पिंग करवा रहा हूँ जी, तो डैम्पिंग अगर कोई करवाने आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से डैम्पिंग भी हो जाएगा। जो सा आप चीज बोलेंगे लगाना है वो सब काम हो जाएगा। दुकान में घुसते ना आपके सीट कवर मेन दिख रहे हैं, तो ये आप फैक्ट्री है ना आपके? जी, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कार सीट कवर 7D फ्लोरिंग की, खुद की होलसेल का काम है जी। होलसेल का काम है हमारा। तो गाड़ियों में बेसिकली मैं जैसे जितने फ्लोरिंग, मैटिंग, लाइटिंग, लेमिनेशन, इंडिकेटर, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान की चीजें लगवाते हो, सारी चीजें करते हो जी? सब काम हो जाएगा। तो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है वो तीन चार चीजें दिखाओ। सीट कवर सबसे सस्ता और सबसे महंगा दिखा दो। ये सबसे स्टार्टिंग सीट कवर है। कितने का? ये विद फिटिंग शुरू हो जाता है 2500 रुपए से। 2500 विद फिटिंग है? विद फिटिंग है। एड्रेस वेड्रेस सब मिला के, सब कुछ मिला के 2500 रुपए का। और इसकी अगली क्वालिटी दिखाना। अच्छा, वो नहीं है ना कि सीट के आर पार आप निकाल देते? नहीं नहीं, वो चीज नहीं है, वो फिटिंग है, सिर्फ ये नॉर्मल फिटिंग है 2500 रुपए। जैसे प्लग एंड प्ले बोलते हैं ना वैसे है, डाल के सीधा जिप बंद करनी है। इसके अगला डिजाइन दिखाना कोई। ये उसके बाद शुरू हो जाता है साका मटेरियल। साका जी? अच्छा, ये डिजाइन अच्छा है, ये देखो ठीक है। अच्छा, ये कितने का? ये भैया छोटी गाड़ी विद फिटिंग शुरू हो जाती है 4000 रुपए से। 4000? हाँ जी, जैसे वैगनार हो गया, ऑल्टो, स्विफ्ट, ये जितनी भी हैचबैक छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी होती है 4 सीटर 5 सीटर, ये सब हो जाती है 4000 रुपए विद फिटिंग। अगला दिखाना आपका सबसे महंगा पीस। ये हमारा सबसे महंगा है। ये कितने का? ये इम्पोर्टेड कपड़ा है। ये विद फिटिंग शुरू हो जाती है 5000 रुपए से। 5000 विद फिटिंग जी। वैसे अगर सही बताऊं तो मार्केट के हिसाब से जो हम दुकानों में लगवाते हैं ना, काफी सही प्राइस है, बहुत अच्छा प्राइस। लेकिन है मैं ये, क्योंकि मैं ये मान के चलता था 5000 से नीचे के सीट कवर नहीं आते, बिल्कुल नहीं। आप नाखून मार के बता रहे थे, वो बताना यही है ना। ये देखिए, हाँ जी, ये हाँ जी। पीला क्या? पीली पीट। पीली पीट इम्पोर्टेड कपड़ा है ये। पीली पीट, हाँ जी। इस पर मार रहे हो नाखून? कहाँ मार रहे थे आप लेदर पे? ये देखिए, ये मेरे नील्स है, ये देख लीजिए आप। इस पर आप नाखून मारिए जितना मर्जी मार सकते हैं। ये देखिए, है नहीं वैसे ज्यादा है, पर बिल्कुल असर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मान लो बच्चे बच्चे नाखून से खराब करें तो कोई दिक्कत? कोई अगर घर में पेट है, डॉग है या कुछ भी है, नाखून लगे, नाखून लग जाए, पंजे लग जाए, कोई भी सीट पर कुछ भी हार्म नहीं हो सकता। और ये क्या इसका हेडरेस्ट? ये ओरा गाड़ी का। अच्छा, ओरा, वो जिसमें हाँ अटैच है, इनमें सब फिक्स आते हैं। ये विद फिटिंग शुरू हो जाते हैं 5000 रुपए से, विद फिटिंग शुरू हो जाएगा ये। नहीं, काफी सही, सच में। और लाइफ टाइम वारंटी है इसकी, जब तक आप गाड़ी रखे तब तक की वारंटी है। किस चीज की वारंटी? सिलाई की होती है या सिलाई की, होती फिटिंग है? की और फिनिशिंग की वारंटी है, क्वालिटी की वारंटी है। ठीक है। और ये की है क्या चीज है? ये मेरे ख्याल से ये साका मटेरियल है। साका, ये न्यू बलिनो का सीट कवर है। नई वाली बलिनो? नई वाली बलिनो, जो लेटेस्ट वाली आई है। ये कितने का है? ये विद फिटिंग है 4500 रुपए। आपके रेट काफी सही है। और मान लो, ठीक है, मान लो कोई नहीं लगवाने आ पा रहा है, तो अगर कहीं कुरियर कर मंगवाना तो हो जाए? तो वो कुरियर भी हो सकता है आराम से। आप मुझे एड्रेस दीजिए व्हाट्सएप पे, बताइए कौन सी गाड़ी है, हम आपको डिजाइंस भेजेंगे, पसंद करिए और आपको प्रॉपर नंबर कर देंगे। जो चीज़ मैं कह रहा था कि और फिर भेजने का अलग से चार्जेस? जी, कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा। आप वो सब गाड़ी 5-7 सीटर सबके बराबर है? जी जी, नहीं वो वेट के हिसाब से होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कितना कुरियर चार्जेस लगेगा, आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा डैम्पिंग, जैसे मेरी गाड़ी में डैम्पिंग करवा रहे हैं आप, वो भी हो रही है और एक दो और काम हो रहे हैं, मान लो मैट की, देखेंगे लगेंगे नहीं लगेंगे, लेकिन सीट का मेन है जी। ये सारी वैरायटी है जी। ठीक है,
तो आ सकते हो, मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, यहाँ भी नंबर भी। इनका राम बहुत जेन्युइन, बहुत स्वीट आदमी है, बहुत आराम से बात करते हैं। तो इनका मेनली होलसेल का बिजनेस है, लेकिन ये बाकी सारे काम करते हैं जो कि आप मेन मार्केट में जो भी काम हो रहे हैं मॉडिफिकेशन के, सारे काम ही करते हैं। तो कॉन्टैक्ट हिम, आई शेयर हिज नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ भी नीचे आ जाएंगे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो डिक्की का पैनल भी देख लो, किसी ने नहीं देखा हो तो, ऐसा होता है। ये वाइपर की मोटर है, ये लाइट, और बस तीन चीज़ें ही हैं, और ये लॉक, बस इसमें कुछ नहीं है, ये अंदर हो गया, डबल प्रोटेक्शन अंदर हो गई है सारा। और अब इसका जो पैनल लगेगा ना, इसके ऊपर भी हो रही है, लगे हाथ बल्ब भी चेंज करवाए देते हैं, क्योंकि ये ना हेलोजन के है, नंबर प्लेट के ऊपर, और खुला हुआ था ये पैनल, तो सोचा ये भी करवा ही दें। ये ओरिजिनल दे देना मुझे, ठीक है, रख लूंगा। एक ये कैलिपर्स भी मैं दोबारा पेंट करवा रहा हूँ, क्योंकि वो लद्दाख गया था, जल गया था ना पेंट, मैंने दिखाया था, तो बस ये वाला व्हील बचा और बाकी सब में दोबारा पेंट हो गया। तो इनका कहना है कि अगर ये वाइट प्राइमर पहले लगता तो नहीं चलता वो, और उसमें शायद नहीं था, अब ठीक है। चलो मैं रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। डैम्पिंग हो गई और ज़्यादा काम नहीं हुआ गाड़ी में, दो तीन चीज़ें हुई हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये LED करवाया मैंने, ठीक है, दोनों ये हैलोजन थे, पीछे का तो LED मैंने करवा रखा था, ये वाले ख़राब हो गए तो ये वाले मैंने चेंज करे, नंबर एक काम। और जो नंबर प्लेट के ऊपर जो बल्ब है सही, वो भी मैंने उसी में करा दिया LED वाइट, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, हैलोजन थोड़ा पुराना सा लगता है। बाकी मेन काम हुआ गाड़ी में डैम्पिंग का, ठीक है। अब जो उनकी डिटेल्स थी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो स्क्रीन पे हैं, जाके कॉन्टैक्ट कर लेना। अब मैं देता हूँ रिव्यू, गाड़ी अभी 80 पे थोड़ा लेके जाना, थोड़ा मैं देखता हूँ अगर हो पाएगा तो। लेकिन सबसे पहला डिफरेंस दैट आई नोटिस्ड वो था वेट को लेके। सबसे पहले तो जो साउंड थी वो बदल गई, ऑब्वियसली एक रबर की मोटी शीट अगर उस पर चिपकती है तो साउंड बदलनी थी, वो बदल गई है, तो वहाँ पर डैम्पिंग का काम पूरा हो गया। सेकेंड, दरवाजे में वेट का बढ़ना, ज़्यादा वेट मैं नहीं कहूँगा उस शीट का, जो अगर एक लगी है तो एक शीट का वेट मान लो 1 किलो के आसपास है, दो शीट अगर पूरी लगी है तो उनका वेट 2 किलो के आसपास है, 1.5 से 2 किलो के आसपास शीट उसमें लगी है, तो वो वेट उसमें बढ़ा। लेकिन भाई बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो गया, गाड़ी को दिक्कत दे रहा है मान लो आप बंद करने में, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं वेट बढ़ता है, वेट बढ़ा ज़रूर है वो आप फील कर पाओगे। उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ है, एक तो मुझे बंद करने में जो दिक्कत आती थी दरवाजे, वो अब दूर हो गई है, मान लो मैंने हल्का सा पुश किया तो नहीं हुआ, फिर खोल के बंद किया तो हुआ। और मुझे डिक्की में बहुत दिक्कत आती थी बूट गेट में, अभी थोड़ा रोक के कहीं मैं बताऊंगा, वो समस्या का निवारण हो गया है, अब वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब मैं चलो 80 पे लेके चलता हूँ और मैं बताता हूँ अब जो हवा पहले आती थी वो अब है कि नहीं है। हंड्रेड पे लेके चले हैं। ब्रेजा में रोड नॉइज़ की दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं रोड पे आएगी जहाँ पे रोड ख़राब है, जैसे अब यहाँ नहीं है। इंजन नॉइज़ तो भूल ही जाओ, इसमें नहीं आती है, इसमें जो दिक्कत थी नॉइज़ की और अब वो बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिल्कुल भी इसमें विंड नॉइज़ अब नहीं आती है, क्योंकि बाहर भी डैम्पिंग हुई है और अंदर की साइड भी हुई है। यहाँ हवा आती थी वो बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल हल्की, पहले तो प्रॉपर ऐसा लगता था जैसे AC वेंट्स लगे हुए हों, बिल्कुल हल्की है, मतलब महसूस, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा के अगर फील करना चाहूँगा कि पावर विंडोज़ के बटन में से पहले हवा निकलती थी, वो अब नहीं है। और विंड नॉइज़, रुको, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरी ऑब्जर्वेशन जैसी है, वो अब नहीं है। अब रही बात कोस्ट की, डैम्पिंग कितने की हुई है, तो स्क्रीन पर डिटेल है, और अगर कोई सिर्फ बाहर करवा रहा है तो वो कम की पड़ेगी, ड्यूअल साइड करा रहा है जैसे मैंने कराई है वो तो महंगी पड़ेगी, डिक्की में कराओगे तो और महंगी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा शीट बढ़ती जाएंगी शीट के हिसाब से पैसे लगते हैं, 500-600 रुपए एक शीट है, कितने की भी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कॉस्ट की डिटेल आपको स्क्रीन पे मिलेंगी, बाकायदा उनके एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल है, उनसे कॉल करके एक बार पूछ लेना कि भाई ये मेरी गाड़ी है और ये कितने की पड़ेगी, ठीक है। सबसे बढ़िया बात रही उनके सीट कवर्स की, जो कि उनकी एक्सपर्टीज़ है उसमें, और जो आप बड़ी बड़ी दुकानें फेमस हैं यूट्यूब पे आप देखते हो, उनके पास जो सीट कवर हैं वो इन्हीं के पास, मतलब ये जो होलसेल वाले होते हैं जैसे
राम भैया, इनकी तरह जितनी बाकी दुकानें होलसेल, इनकी दुकान से माल जाता है, तो जो सीट कवर आपको 6-7 हज़ार के पड़ रहे हैं वो इनके पास 4-4.5 हज़ार के मिल जाते हैं सेम चीज़। तो यहाँ आपका ये बेनिफिट है कि आपको कॉस्ट सेविंग होती है सीट कवर में। क्वालिटी मैंने आपको दिखाई दी थी कितनी अच्छी थी, और स्क्रैच वगैरह करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट कवर अगर किसी को लगवाने हो, कुरियर करवाने हो, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना और ये आपको डिलीवर कर देंगे। मुझे सब, अगर मेरी गाड़ी में अभी सीट कवर नहीं होते या मुझे चेंज कराने होते ना, तो मैं ज़रूर करवाता, लेकिन मेरी में अभी नीड है नहीं, क्योंकि मेरे में ओरिजिनल MGA के लगे हैं मारुति के। तो अगर नहीं होता तो मैं ज़रूर करवाता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, बहुत बढ़िया काम और राम भैया वॉज रियली जेन्युइन, बहुत स्वीट और जेन्युइन आदमी है। आप उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, और जितने भी गाड़ी में सारे काम होते हैं, मॉडिफिकेशन, एक्सेसरीज, सारे काम वो करवा के देते हैं गाड़ी में, बस सीट कवर उनका मेन डोमेन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेल मी योर व्यूज़ अबाउट डैम्पिंग, किस किसने करवा रखी है, कौन करवाने की सोच रहा है, अच्छी है बुरी है, वो सब मुझे बता देना।